वो अंधेरी में रहती है ताकि हमें रोशनी मिल सके। वो कम खाया करती है ताकि हम पूरा पेट भर सके। अभी तक नहीं समझे, माँ है जनाब, बड़े बड़े झुकते हैं आगे इनके। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कनिका। आज जो मेरी पोएम है उसका टाइटल है माँ। कैसी बनाई तूने ये सृष्टि भगवान, माँ की ममता में कुछ अलग है वरदान। चोट बच्चे को लगती है और सांसें माँ की थम जाती है। वो खुशनसीब होते हैं जिनके दामन में माँ की खुशी आती है। मेरे कपड़ों पर छोटा सा दाग देख मुझे एक नया जोड़ा दिलाती हैं और खुद वो कुछ फटे पुराने कपड़ों में पूरी दुनिया घुमाती हैं। अंधेरे में भी वो रोशनी दिखाती हैं, बिन कुछ कहे वो सब कुछ समझ जाती हैं। खाक से उठा के वो चांद पे ले जाती हैं। उसकी गोद में सर रख मुझे जन्नत नज़र आती है। एक कंबल को वो कुछ इस तरह से बांटती है कि खुद आधी में सांझ हमें पूरा ढकाती है। माँ है सवाब, भगवान की जगह इस दुनिया में नज़र आती है। अब हम बड़े हो गए हैं तो अभी तक माँ को लगता है हम छोटे ही हैं, तो वो हमें समझती है कि, और एक लाइन बोलती हैं कि तुम अभी छोटे हो, इन सब चीज़ों से दूर रहो। तो बस, लेकिन हमें वो चीज़ें समझ आती है तो बस उसी पे, तेरे होठों की हंसी को पहचानती हूँ, तेरी आँखों की नमी को पढ़ पाती हूँ, तेरे गुस्से के गुरूर को भी जानती हूँ। मानती हूँ अभी छोटी हूँ लेकिन इस दुनिया की फितरत को अच्छे से समझ जाती हूँ। कई खेल खेले हैं जग ने तेरी ममता के साथ, कई रंग बदले हैं इसने बदलती जनता के साथ। वक्त गवाह है कि तेरी हर फिक्र उस वक्त भी जायज़ थी और इस वक्त भी जायज़ है। मेरी नासमझी को मेरी मोहब्बत में बदलने वाली वो ममता की मूरत मेरी पहली और आखिरी ख्वाहिश है। मानती हूँ थोड़ी नासमझ हूँ, लेकिन तेरी अनकही बातों को यूं ही समझ जाती हूँ। तुझसे रूबरू होती हूँ तो सुकून कई दफ़ा मिलता है। यकीन है तेरे आंचल पर कि वो इस जहाँ में सबसे पाक जगह है। तेरी खामोशी तेरी डांट से कई गुना चुभती है। तू रूठती है तो तेरे लाल की नींव कई दफ़ा हिलती है। माँ फिर भी तू मानती है मैं अभी छोटी हूँ, लेकिन माँ मैं तेरी हर मोहब्बत को अच्छे से समझ जाती हूँ। प्यार तो करती हूँ बस जता नहीं पाती हूँ। वैसे सच में माँ के क्या कहने हैं जिनके बच्चे ही उनके गहने हैं। बिना किसी मुनाफे के वो हमें प्यार किया करती हैं। हम उनसे शिकायत करके थक जाते हैं और वो हमें हंस के मुस्कुरा के मना ही लिया करती हैं। हाँ जनाब, वो माँ है जो तुम्हारी हर सवाल का जवाब हुआ करती हैं। कोई चीज़ खरीदनी हो और पापा को ना मना सको तो माँ को बोल देते हैं, क्योंकि हमें पता है, क्योंकि वो अपने पति को तो मना ही लिया करती हैं। सच तो ये है कि माँ नारियल की तरह होती है, बाहर से कड़क और अंदर से नरम होती है। ख्वाहिशों की तो क्या बात करें उनकी। वो पूरे दिन घर का काम करती हैं, फिर भी हमसे कम ही ख्वाहिश रखा करती हैं। होगी उनके दिल में भी बहुत सी अनजान ख्वाहिशें जो वक्त के साथ अक्सर छोटी हो जाया करती हैं। माँ है साहब, भगवान की जगह इस दुनिया में उतरती हैं। थैंक यू।